एवरीवन, आई एम वरुण, योर मेंटर एट सीएल नागपुर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ टॉपिक नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक आईपी मैट और कैट में पूछे जाने वाला टॉपिक है। सो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्या बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और कौन कौन से इसके जनरल मैथड्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो फिर फर्दर वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि आईपी मैट और कैट में कौन कौन से क्वेश्चन अब तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए और फिर हम उनको सॉल्व भी करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। सो इस इक्वेशन में एक्स जो है ये वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर टू है। सो मैक्सिमम पावर टू होने की वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है एंड इसीलिए इसके दो रूट्स भी निकलते हैं। सो दो रूट्स जो है वो जनरली रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फा एंड बीटा से। सो अल्फा एंड बीटा अगर टू रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो अपन कह सकते हैं कि ये एक्स की दो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली। सो दूसरा एक जनरल मैथड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। सो हियर अल्फा एंड बीटा आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अगर अब अपन देखेंगे इसको सॉल्व कौन कौन से मैथड से किया जा सकता है तो दो मैथड से। फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड सेकेंड वन इज फॉर्मूला मैथड। सो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर अपन इसको दोनों भी मैथड से सॉल्व करके देखेंगे। सो लेट से कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करने के लिए हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 12 एंड एडिशन आनी चाहिए माइनस सेवन। 12 इसीलिए क्योंकि 12 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है एक्स स्क्वेयर के सामने के कोएफिशिएंट से। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 12 तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन करके 12 आना चाहिए एंड एडिशन करके माइनस सेवन इसीलिए बिकॉज बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस सेवन। सो ऐसे दो नंबर्स आ रहे हैं माइनस थ्री एंड माइनस फोर। सो माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर करेंगे तो बन जाएगा 12 और माइनस थ्री माइनस फोर करेंगे तो एडिशन करके माइनस सेवन बनेगा। अब एक्स की हमको यहाँ पे दो वैल्यूज बताना है तो आप बस इन दोनों नंबर्स के माइनस थ्री और माइनस फोर के साइन चेंज करके लिख दीजिए। सो वन नंबर इज थ्री एंड सेकेंड वन इज फोर। इसके बाद इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए जो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है दैट इज ए। ए से आप इसको डिवाइड कर दो दोनों को। सो ए की यहाँ पे वैल्यू जो है वन ही है। सो आप वन एज इट इज डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी थ्री और फोर। सो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में से एक अल्फा है तो दूसरा जो है ये हो जाएगा बीटा। सो थ्री एंड फोर आर अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशन। अब दूसरी मैथड इसी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मैथड। सो फॉर्मूला मैथड जो है वो हमको बोलती है कि आप x इज इक्वल्स टू डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए करके। सो यहां हम अगर b a और c की वैल्यू प्लेस कर ले तो ये बन जाएगा माइनस माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस सेवन का स्क्वेयर माइनस फोर ए की वैल्यू इज वन एंड बी की वैल्यू है ट्वेल्व होल डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये सेवन प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय टू बन जाएगा एंड इसके दो रूट्स यहां पर हमको मिल जाएंगे थ्री और फोर क्योंकि एक बार आप सेवन माइनस वन सिक्स डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो थ्री आएगा एंड सेकेंड टाइम सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू कर लेंगे तो फोर आ जाएगा। सो यही आपके अल्फा एंड बीटा है। तो इस तरीके से अपन ने अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एज वेल एज बाय फॉर्मूला मैथड। आई होप कि आपके दोनों मैथड्स अच्छे से समझ में आई। मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।